और बड़ी खबर, प्रदेश में रिक्त हुई एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 14 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना, 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 27 अगस्त को वापस ले सकेंगे नामांकन, जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को होगा मतदान, इसी दिन जारी होगा चुनाव का परिणाम भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा सीट जो रिक्त हुई थी, प्रदेश में रिक्त हुई एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। दरअसल 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी इसके लिए और 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 27 अगस्त को वापस ले सकेंगे नामांकन और अगर जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान होगा और इसी दिन परिणाम भी चुनाव का जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर। तो देखिए, प्रदेश में रिक्त हुई एक राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। 14 अगस्त को अधिसूचना जारी हो जाएगी, 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख होगी कि पार्टियों की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाता। हालांकि जिसके पास जो मेजॉरिटी उसकी जीत तय होगी, लेकिन फिर भी कार्यक्रम के तहत जो 21 अगस्त है नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी, 27 अगस्त को नामांकन वापस लिया जा सकेगा और साथ ही साथ अगर जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान भी होगा और जानकारी है कि इसी दिन परिणाम भी चुनाव का जारी कर दिया जाएगा। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि जो प्रदेश में एक राज्यसभा सीट जो खाली हुई उसके लिए चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है 14 अगस्त को अधिसूचना, तो वहीं 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी और 27 को नामांकन वापस ले सकेंगे, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है इसका? देखिए, कैसी वेणुगोपाल का जो कार्यकाल था वो पूरा होने के बाद ये निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है, चुनाव का कार्यक्रम, और एक रिक्त सीट है जो राज्यसभा की, उसके लिए पूरा कार्यक्रम जारी किया है। देश भर में ऐसे अलग अलग सीटें हैं, उड़ीसा में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, तो ये पूरा कार्यक्रम अब जारी कर दिया गया है और जो जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान किया जाएगा। अब यह देखना होगा कि सियासी स्तर पर किस तरह से सहमति बनाई जा सकती है। यदि ऐसा कुछ होगा तो इसमें मतदान नहीं होगा, वरना मतदान से ये तय होगा कि इस सीट पर कौन प्रत्याशी जीतेगा और किस पार्टी का जीतेगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, आखिरकार एक राज्यसभा की सीट के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी हो चुका है? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है दीपिका, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे और केसी वेणुगोपाल जो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने केरल से लोकसभा की सीट पर जीत दर्ज की थी, उसी समय से तय हो गया था कि राजस्थान में एक राज्यसभा की सीट के लिए बाई इलेक्शन होगा और अब वो जो ऐलान है चुनाव आयोग की तरफ से वो कर दिया गया है। हम तारीखें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कब नामांकन होगा, कब नामांकन वापस ले सकते हैं, जरूरत हुई तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो विधानसभा में आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना तय है। बिल्कुल, तो अब सबकी नजरें जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो इस बात पर टिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा। 2-3 नाम अभी रेस में है। सबसे प्रमुख नाम जो रेस में है वो राजेंद्र राठौड़ का है, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और अपना विधानसभा चुनाव को हार गए थे तारानगर से, क्योंकि उनको कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है। तकरीबन 8 महीने हो गए विधानसभा चुनाव को, तो ये माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है राज्यसभा के उपचुनाव में। इसके अलावा भी कई लोग हैं, क्या कोई केंद्रीय नेता दिल्ली से आ सकता है जिनको यहाँ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, इस तरीके की अटकलें हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार किसको बनाएगी, क्योंकि ये सीट भाजपा को मिलना तय है। बिल्कुल, इस सीट भाजपा को मिलना तय है क्योंकि मेजोरिटी भाजपा के पास है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और पूरा शेड्यूल जो सामने आया है वो हम आपको एक एक कर बता भी रहे हैं और साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं किस तरीके से अधिसूचना जारी होगी और 14 अगस्त को, और साथ ही साथ उसके बाद जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त होगी, 27 अगस्त को नामांकन वापस लिया जा सकेगा, लेकिन जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान होगा, उसी दिन परिणाम जारी भी कर दिया जाएगा।